वहीं ग्रेटर नोएडा में मनमानी तरीके से सोसाइटी के लिफ्ट और बिजली बंद करने पर आक्रोशित सोसाइटी के लोगों ने पुलिस थाने में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि अर्थकॉन संस्कृति और कासा रॉयल सोसाइटी में माननीय LNCLT की ओर से नियुक्त RP गौरव कटियार ने बीती शाम सोसाइटी के सभी लिफ्ट बंद करने के साथ ही पानी और कॉमन एरिया की लाइटें बंद कर दी, जिससे कि लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि लोगों से गलत तरीके से कमर्शियल दरों पर बिजली का बिल वसूला जा रहा है। हालांकि पुलिस से शिकायत के बाद बिजली पानी को वापस सुचारू किया गया, साथ ही साथ अगले रूटीन के हिसाब से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया कि 14 जुलाई से दोबारा बिजली पानी और लिफ्ट बंद की जाएगी। और सोसाइटी की हालत ऐसा है, कोने कोने में